और आपके ई स्कूटर में ऐसा क्या है जो कि ई स्कूटर को फायर प्रूफ बना रहे हैं? अभी एक्चुअली हमने ये चीज़ समझ लीजिए कि बैटरी टू टाइप्स की है, एक NMC है एंड एक LFP है, जो हमारी LFP इज लिथियम फेरोफॉस्फेट। यस, तो NMC जो बैटरीज है तो उसमें जब कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हाईली फ्लेमेबल है। तो जब उसका उसमें कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो फायर पकड़ लेती है। बट हमारी जो बैटरी है जो LFP लिथियम फेरोफॉस्फेट है, तो उसमें ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसमें स्मोक्स गैसेस जो बाहर आते हैं, जब कोई सेल अंदर का फट जाता है तो उसमें से आपको गैसेस बाहर निकलेंगे, तो उसमें गैसेस आर नॉट एट ऑल डेंजरस फॉर द कस्टमर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग टीवी। फ्रेंड्स, लिविंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइज फ्री और पोल्यूशन फ्री बने, और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर ही चलाएं। और गाइज, आज मैं आपको ऐसे ही एक जो लिथियम आयन बैटरी की जो स्कूटर है उसका रिव्यू देने वाली हूँ, और इस स्कूटर का नाम है डी एक्सप्रेस मेटल, जो कि एक ये लोडिंग स्कूटर है। गाइज, मैं आज आई हूँ डी एक्सप्रेस के शोरूम में, और इनके शोरूम का नाम है श्री कृष्ण मोटर्स, जो कि पुणे पिंपले सौदागर में है। यहाँ पर आने के बाद आप इनके स्कूटर्स देख सकते हो और इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो, तो प्लीज़ आप इनके शोरूम में विजिट दीजिए। सो आइए देखते हैं कि क्या है खास इस स्कूटर में। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। स्कूटर के फ्रंट फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं। यह है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद अलॉय व्हील रिम, और यह है TVS के 10 इंच के ट्यूबलेस टायर। यह है फ्रंट डिस्क ब्रेक जो कि 180mm का है, और ये ऑयल ऑपरेटेड है, और ये ऑयल ऑपरेटेड होने की वजह से आप एफर्टलेस ब्रेक लगा सकते हो। सो गाइस, ये जो स्कूटर आप देख रहे हो, आपको ये ग्लॉसी रेड कलर में देखने के लिए मिल जाती है, प्लस मैट ब्लैक कलर में। उसी के साथ आप देख सकते हो ये है इनके कंपनी का लोगो, और ये नीचे है डी एक्सप्रेस, यहाँ पर ये बैचिंग दी गई है। उसी के साथ यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए भी जगह दी गई है, यहाँ पर ये कैरेज दिया गया है। ये कंपनी फिटेड है, आपको एक्स्ट्रा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे भी हेडलाइट और पार्किंग लाइट दिए गए हैं। इसका शेप भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, और इसके जो इंडिकेटर्स है इन्हें यहाँ पर हैंडल में दिए गए हैं। इसके जो लाइट्स है वो भी ऑन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसके जो पार्किंग लाइट है इसे ऑन किया है, और ये इसका हेड लाइट अभी ऑन किया है। ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ये LED लाइट है, और इसमें ये देखिए ये है अपर और लोअर लाइट यहाँ पर दिया गया है। इसके जो इंडिकेटर्स है इसे भी हम ऑन करके देखते हैं, ये भी LED ही है, इन्हें हैंडल में दिया गया है, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब मैं आपको इसके हैंडल के कंट्रोल्स के बारे में जानकारी देती हूँ। यहाँ पर ये दिया गया है रेयर ब्रेक, ये देखिए यहाँ पे गैप भी बहुत कम है, तो इमरजेंसी के टाइम पे इजी हो जाता है ब्रेक लगाना। इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी ये सिल्वर इंसर्ट दिया गया है। उसी के साथ ये है अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, यहाँ पर भी इंडिकेटर्स का स्विच है, ये देखिए यहाँ पर हॉर्न का स्विच दिया गया है। तो यहाँ पर ये फ्रंट ब्रेक दिया गया है, ये है इसका एक्सीलेटर, इसका ग्रिप भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर भी सिल्वर इंसर्ट दिया गया है। ये हज़ार्ड लाइट का स्विच यहाँ पर दिया गया है, ये हेडलाइट और पार्किंग लाइट का स्विच है, ये यहाँ पर मोड का स्विच है। इस स्कूटर में हमें दो मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, इको और पावर। तो इसके जो स्विचेस है ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, मूविंग है, सॉफ्ट है, तो ईजी हो जाता है हमें इसे हैंडल करने के लिए। तो ये है इसका डिस्प्ले, इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटा है इसका डिस्प्ले, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डी एक्सप्रेस लिखा गया है। अब इसको है तो ऑन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे अब मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका बैटरी स्टेटस है, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये है इसका स्पीडोमीटर, और ये जो आप 60 वोल्ट देख रहे हो, इट्स मीन इसकी जो बैटरी है वो 60 वोल्ट की है। और ये है इसका ट्रिपोमीटर, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें हमें दो मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये देखिए इको और दूसरा है पावर। ये देखिए पावर का, और जब आपके इंडिकेटर्स या सब जो लाइट्स ऑन होते हैं तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से देखने के लिए सब मिल जाता है लाइट्स। चलिए अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर इको के मोड पे कितना स्पीड मिलता है, पर अभी ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये ए देख रहे हो, ये है पार्किंग मोड का, तो मुझे यहाँ पर ये जो ब्रेक है इसे प्रेस करना है। नाउ रेडी, इट्स मीन आप इसे चला सकते हो। तो अभी मैंने इसे इको के मोड पे डाल दिया है, और अभी यहाँ पर मैं इसे देती हूँ एक्सेलेटर, देखते हैं कितना स्पीड मिलता है। यहाँ पर मैक्स टू मैक्स हमें 24 का स्पीड देखने के लिए मिल जाता है इको के मोड पर। नाउ ये अभी मैं डाल देती हूँ इसे पावर के मोड पर, देखिए इसे पावर के मोड पर डाल दिया है। ये देखिए इसे मैंने डाल दिया है पावर के मोड पे। पावर के मोड पे भी हमें 24 का ही स्पीड मिलता है मैक्स टू मैक्स, पर जब आप इसे चलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है। और गाइस हमें यहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल की भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि फोर व्हीलर के साथ हमें मिलती है वैसे ही। ये देखिए ये है स्कूटर को स्टार्ट करने का स्विच, ये है लॉक करने का स्विच, और ये है अनलॉक करने का स्विच। और इसमें और एक बहुत ही स्पेशल फीचर ये दिया गया है कि जब आप इस स्कूटर को लॉक करते हो ना, इसकी जो मोटर है ये भी लॉक हो जाती है, इसके जो व्हील्स है ना ये बिल्कुल भी चलते नहीं हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है। देखिए ये है इसका मिडल एरिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। यहाँ पर हमें ये दिया गया है USB मोबाइल पोर्ट, तो आप आपके मोबाइल को यहाँ पर चार्जिंग को लगा सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर ये हुक भी दिया गया है, आप कैरी बैग हैंग कर सकते हो, आपकी पर्स है तो पर्स वाटर बॉटल वो भी यहाँ पर आप हैंग कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर ये है इसका लेग स्पेस, आप यहाँ पर भी सामान जो है कैरी कर सकते हो, सिलेंडर है या बैग है या मार्केट जा रहे हो वो सब सामान आप यहाँ पर रख सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर इसका ये फुटरेस्ट दी गई है, पैर रखने के लिए भी यहाँ जगह दी है। ये देखिए जब काम हो जाए तो आप इसे अंदर के साइड पर ऐसे घुमा दीजिए। उसी के साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 140 mm का, और ये देखिए इसे हमें करना क्या है, जस्ट इस तरह से इसे प्रेस करना है विदाउट बैटरी निकाले हुए, आप यहीं से आपकी जो स्कूटर है इसे आप चार्ज कर सकते हो। तो आइए इसके सीट के बारे में जानकारी दे देती हूँ। ये देखिए इसका जो सीट है ये काफ़ी सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है, आपको यहाँ फ्रंट में ही सीट मिलता है। यहाँ पर ये सामान कैरी के लिए जगह दी गई है, अगर आपको सीट लगवाना है तो ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है, आप इसे परचेज करके लगवा सकते हो इनसे ही। और उसी के साथ ये देखिए अगर आपको ये नहीं चाहिए उस टाइम पे आप इसे बंद कर दीजिए। अब जब आप सामान कुछ लोड कर रहे हो तो इसे आप खोल के यहाँ पर सामान कैरी कर सकते हो इस तरह से, तो ये दोनों साइड में सामान कैरी कर सकते हो। प्लस ये वाला भी एरिया है, नहीं सामान लोड करना है आप सीट लगवा सकते हो। तो ये 2-in-1 यूज़ है इसका, तो बहुत ही अच्छा है, ये सब कंपनी फिटेड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपको परचेस करना है वो है सीट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्कूटर है ये लिथियम आयन बैटरी के स्कूटर है, तो बैटरी कहाँ पर है सबसे पहले वो आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए ये जो की है ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसकी जो बैटरी है ये यहाँ पर दी गई है फुटबोर्ड में। तो इसको निकालना कैसे है सबसे पहले वो बता देती हूँ। ये जो की है इसे हमें इस तरह से यहाँ पर डालनी है और घुमाना है, तो ये वाला जो स्टैंड है वो इस तरह से खुल जाता है। तो अभी बैटरी को कैसे निकालना है वो भी बता देती हूँ। इसकी जो बैटरी है ये देखिए दोनों साइड में ऐसे पकड़ने के लिए दिया है, तो इसकी जो बैटरी है इसे जस्ट हमें इस तरह से पकड़ के निकालना है। तो ये आ गई इसकी बैटरी, ये दिखती है कुछ इस तरह से, ये ऐसे ही आती है बड़ी साइज़ में। और ये देखिए ये इसका बैटरी की जगह ये है इस तरह से। फ्रेंड्स ये है वो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी जो कि 1.1 किलोवाट की है और 60 वोल्ट 30 एम्पियर की है। और इस बैटरी का जो वेट है वो है 16 केजी का,
और ये हमारी मेड इन इंडिया बैटरी है जो कि डी एक्सप्रेस कंपनी इसे बनाती है। गाइस और एक बात जो मुझे इस स्कूटर की बहुत स्पेशल लगी है कि ये है कि इस बैटरी के साथ आपको एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है, तो बहुत ही बढ़िया है ये चीज़। हमें करना क्या है, हमें एक जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है। ये देखिए जैसे कि मैंने इस फ़ोन में किया हुआ है डी एक्सप्रेस, इसे मैंने डाउनलोड किया है। तो आपको करना क्या है, जो आपके बैटरी के 4 जो लास्ट डिजिट है ना उन्हें हमें सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर कर दिया इस तरह से। तो सिलेक्ट करने के बाद आता है ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमें सब पता चल जाता है कि बैटरी का पावर कितना है, रिमेनिंग बैटरी कितनी है, बैटरी कैपेसिटी, रिमेनिंग कैपेसिटी, इसका जो साइकिल काउंट है, ये सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेल्स वोल्टेज है, सेल्स वायर रेसिस्टेंस, सब जो इंफॉर्मेशन जो बेसिक है सब आपको ये फ़ोन में देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, जितने भी आप देखते हो मैंने रिव्यूज़ भी किए हैं, ये ऐसा फ़ीचर मुझे आज तक मैंने देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम ये जो फीचर है मैंने देखा है। और आज का जो कंडीशन तो उसके लिए ये ऐप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस ये तो हो गई बैटरी की जानकारी, पर आप लोगों के बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो रिसेंटली जो हो रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बर्न हो रही है। तो इस जिस शोरूम में आज आई हूँ तो यहाँ पे कृष्णा भी है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि उनके ये जो प्रोडक्ट है आज का, तो उसमें ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए इन्होंने क्या तैयारी की है, तो हम उनसे भी पूछते हैं। और जो ये फायर हो रहा है स्कूटर, ये क्यों हो रहा है, तो हम इसके बारे में उनसे पूछते हैं। तो कृष्णा मुझे सबसे पहले बताइए, ये जो स्कूटर्स यहाँ पर आजकल जल रही है ये क्यों जल रही है? जो तीन मेजर इशू जो हम ये बैटरी इशू फेस कर रही है, वो पहली जो है वो ओवरहीटिंग है। ओवरहीटिंग फर्स्ट पॉइंट। यस यस। सेकंड इज बैटरी पंचर होना। ओके। एंड थर्ड इज ओवरचार्जिंग। ओवरचार्जिंग। यस। तो ये तीन मेजर इशू है जो बैटरी में बैटरी हीटिंग ब्लास्टिंग वगैरह हो जाती है। और आपके इस स्कूटर में ऐसा क्या है जो कि इस स्कूटर को फायर प्रूफ बना रहा है? अभी एक्चुअली हमने ये चीज़ समझ लीजिए कि बैटरी टू टाइप्स की है। अच्छा। एक NMC है एंड एक LFP है। जो हमारी LFP इज लिथियम फेरोफॉस्फेट। यस। तो NMC जो बैटरीज है तो उसमें जब कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हाईली फ्लेमेबल है। अच्छा। तो जब उसमें कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो फायर पकड़ लेती है। हाँ। बट हमारी जो बैटरी है जो LFP लिथियम फेरोफॉस्फेट है, तो उसमें ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसमें स्मोक्स गैसेस जो बाहर आते हैं, जब कोई सेल अंदर का फट जाता है तो उसमें से आपको गैसेस बाहर निकलेंगे। तो उसमें गैसेस आर नॉट एट ऑल डेंजरस फॉर द कस्टमर। तो आपको जब NMC बैटरीज के साथ ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तब वो कस्टमर्स के लिए जो राइडर होता है उसके लिए भी डेंजरस होता है। और कैसा है अभी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा स्कूटर्स आ गई है ना, उसमें अभी आपकी भी स्कूटर है, तो कस्टमर आपकी ही स्कूटर क्यों ले? ऐसा क्या खास है आपके स्कूटर में कि कस्टमर वो वाली स्कूटर छोड़ दे और बोले कि नहीं इनके जाना है शोरूम? तो बताइए। एक्चुअली सबसे बेस्ट चीज़ हमारे जो स्कूटर में वो है BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा। तो हमारे पास एक्टिव सेल्फ बैलेंसिंग फीचर है जो अभी फिलहाल इंडिया में किसी के पास नहीं है। वी आर द ओनली वन। एंड इसमें जो आपने ऐप दिखाया, तो उसमें जैसे आपने ऐप में दिखाया वैसे बैटरी परसेंटेज, साइकिल काउंट, सिंगल सेल एनालिसिस कर पाते हैं हम। तो उसमें आपको बैटरी रिमेनिंग परसेंटेज, बैटरी कैपेसिटी, ये सभी चीज़ें शो हो जाती है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसके वजह से हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको 10 ईयर्स की लाइफ मिल जाती है बैटरी की। अच्छा। यस। 10 ईयर्स की लाइफ। यस। और मुझे आप इस स्कूटर के वारंटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके इसमें हमें जो बैटरी है उसमें हमें 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। ओके। 5 ईयर्स की वारंटी इस बैटरी में मिल जाती है, विच इज़ अनलिमिटेड किलोमीटर्स। ओके, अनलिमिटेड। यस। एंड जो मोटर है जो बॉश की है उसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगी। yes. इसकी जो मोटर है ये बॉश कंपनी की। यस। yes, yes. अच्छा। एंड बॉश की जो मोटर आती है उसमें 2 ईयर्स की आपको वारंटी मिल जाती है। जो कंट्रोलर है उसमें 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। अच्छा।
तो मेटल और प्लास्टिक का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो स्कूटर है ये 200 kg तक ले पाती है वेट। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ये यहाँ पर कृष्णा ने दे दी है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, तो आइए अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे देती हूँ। ये है इसका चार्जर, दिखता है कुछ इस तरह से, और ये है इसका 3-pin plug, और ये बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट है, और इसका आउटपुट है 69.5 volt, और ये 7 ampere का है, और ये 7 ampere का होने की वजह से 4 घंटे में आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है ये चार्जर। तो आइए बता देती हूँ कि इस बैटरी को कैसे चार्ज करना है, पर उसके पहले बता दूँ कि ये है एनर्जी मीटर, इसे मैंने बनाया हुआ है, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी बैटरी है ये कितने वॉट से चार्ज होती है। तो सबसे पहले हम इसे लगा देते हैं यहाँ पर सॉकेट पे। तो इसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और ये जो चार्जर का 3-pin plug है इसे भी मैं लगा देती हूँ मेरे एनर्जी मीटर पर। और ये जो सॉकेट है इसे मैं लगाती हूँ यहाँ पर बैटरी को, इसे मैंने अभी यहाँ पर कर दिया है कनेक्ट इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर रेड कलर का लाइट स्टार्ट हो गया है, इट्स मीन हमारी जो बैटरी है ये अब हो रही है चार्ज। पर ये कितने वॉट से चार्ज हो रही है ये हमें पता चलेगा यहाँ पर, जो कि मैंने बनाया हुआ है एनर्जी मीटर। तो ये देखिए इसकी जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है 477.9 watts से, ये जो हमारी बैटरी है ये हो रही है चार्ज। आपको इस एनर्जी मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस ऐप में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो आपको रियल टाइम पे पता चलता है कि ये कितने एम्पियर से चार्ज हो रहा है और बैटरी कितने वॉट से चार्ज हो रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, विदाउट बैटरी को निकाले हुए इसे भी हम चार्ज करके देख लेते हैं कि हमें कितने वॉट से हमारी ये जो बैटरी है ये यहाँ पर चार्ज हो रही है। तो ये जो बटन है इसे प्रेस किया है, और ये जो सॉकेट है इसे लगा देती हूँ यहाँ पर। ये जो स्विच है अब मैंने इसे भी ऑन कर दिया है, देखिए रेड कलर है, बैटरी चार्ज हो रही है। ये देखिए 479.2 watt से हमारी ये जो बैटरी है ये यहाँ पर चार्ज हो रही है। आइए अब मैं आपको इसके रेयर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है 250 वॉट की BLDC मोटर, और इसका पीक आउटपुट है 1000 वॉट का, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसे व्हील में ही दिया गया है, और ये वाटरप्रूफ है, और ये बॉश कंपनी की है, और इसके जो टायर है ये है ट्यूबलेस टायर जो कि 10 इंच के हैं, और ये है इसके एडजस्टेबल ड्यूअल रियर सस्पेंशन। आप सिंगल सीट हो या डबल सीट हो आप इसे एडजस्ट करके चला सकते हो। आपको यहाँ पर एक फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर में है, प्लस ये है फोर्डेबल कैरेज, आपको सामान कैरी करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है तो उस टाइम पे आप इसे इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर मेटल भी लिखा गया है, ये है मेटल, इस स्कूटर का नाम है। ये है रेयर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है, और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पर ये मेन स्टैंड दिया गया है, और इसमें साइड स्टैंड भी दिया गया है। और ये है इसके रेयर LED लाइट्स, और अब इसका जो ब्रेक लाइट्स है इसे भी ऑन कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी ये LED ब्रेक लाइट्स दिए गए हैं, उसी के साथ यहाँ पर इसका नंबर प्लेट भी दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर के प्राइस के बारे में जानकारी दे देती हूँ। इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है पूना वालों के लिए 1,02,000 rupees, और इसके साथ आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और गाइस, ये जो स्कूटर है इसमें आपको कलर्स भी अवेलेबल है, आपको इस स्कूटर में रेड है, येलो है, ब्लू कलर है, आप कोई भी कलर आपके हिसाब से ले सकते हो, बहुत ही प्यारे कलर्स है यहाँ पर। सो गाइस, अब हम इसका टेस्ट ड्राइव करते हैं, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये सिंगल चार्ज में 80-100 किलोमीटर तक जाती है। तो लेट्स स्टार्ट।
गाइज अभी मेरा टेस्ट ड्राइव लेके हो गया है तो मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को दे दूँ। इसके जो सस्पेंशन है ये हार्ड है क्योंकि ये लोडिंग वाली स्कूटर है, इसलिए इसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, इसलिए इसका ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छा है। इसका जो पिकअप है बहुत ही अच्छा है, इसका एक्सेलरेशन भी बहुत ही बढ़िया है और ये जो स्कूटर है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मैं आपको रेकमेंड करती हूँ डेली यूज़ के लिए, जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ये इनके उनके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ क्योंकि ये आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इसके साथ सामान, दूसरे गांव से दूसरे गांव लाना है एक दूसरे गांव से इसको आप लेके जा सकते हो, गांव में जाना है सिटी में लेके जाना है सामान, तो आपके लिए ये परफेक्ट है स्कूटर क्योंकि इसमें आगे भी कैरेज दिया गया है। अभी तो यहाँ पे सीट लगा ली है आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर आपको सामान ट्रांसपोर्ट करना है उस टाइम पर आप ये सीट निकाल सकते हो, मतलब आप यहाँ पर भी सामान रख सकते हो। उसके बाद ये वाला जो है सेम बाजू में भी है, यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हो, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट है ये स्कूटर। तो प्लीज़ आप इनके शोरूम में आइए एक बार इस स्कूटर का टेस्ट ड्राइव लेके देखिए, आपको ये स्कूटर पसंद आती है या नहीं आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आज का जो मेरा वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।